हेलो गाइस, दिस इज मी सरांच। हेलमेट पहनने के चक्कर में मास्क उतर के आगे मुंह से उल्टी लड़की करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इशिका हेयर। तो अभी हो रहा है, मतलब दिन के 3 बज रहे होंगे। अभी मैं जाऊंगी बड़ी के साथ वहां पे कैंटीन में, क्योंकि मैं बड़ी के साथ कैंटीन में सामान मांग लेते हैं। थोड़ा सा लेना है घर में, ग्रोसरी वगैरह खत्म हो रखी है, वो सब लेना है थोड़ा बहुत। तो फिर चलते हैं अभी, मम्मा जाना था पहले, मम्मा अभी जा नहीं रहे हैं, मम्मी का प्लान चेंज हो गया, तो मैं बड़ी के साथ जाऊंगी। एंड चलो गाइस, फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मास्क लेने जा रहा है, उनका मास्क गिर गया। एक्चुअली उनका ना मास्क गिर गया, वो हेलमेट पहनने के चक्कर में मास्क उतर के उनके मुँह से। बड़ी की भी हालत ख़राब रखी है, उनका भी जो है स्टमक अपसेट है, और मेरा भी, और दोनों की हालत ख़राब है। वो आ रही है बड़े पीछे से चल के, शायद मिल गया हो उनको मास्क, क्योंकि बिना मास्क के वो एंट्री नहीं देंगे हमें। तो गाइस, यहाँ पे सब सामान लगा है खाने पीने का जो भी है, इतना तो लिया मैंने, थोड़ा बहुत लिया क्योंकि मम्मी नहीं आ रही थी। जैसे ज़्यादा लेके जाऊँगी तो मम्मी फिर मेरे को डांटे लगेगी कि जो मैंने नहीं मंगाया था तो बोली क्या थी। बाकी अभी बिस्किट विस्किट पड़ा हुआ है, हेलमेट वेलमेट भी ले सकते हैं यहाँ से हम लोग। बाकी इमली टिफिन मुझे बहुत पसंद है तो मैंने एक उठा ली थी। इसमें अभी टाइम है, यहाँ पे थोड़ा साबुन वाबुन लेना था मम्मी के लिए, और यहाँ पर हम लोग ड्राइविंग के लिए सैडली उनका जो ये हेलमेट था वो कटा नहीं, मतलब तो नहीं मिला। मेन ये लोग आए थे सर्फ लेने के लिए यहाँ पर, बाकी मैं कॉम्प्लेन लेके जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग निकलते हैं अब घर को। दोनों जगह बैग लटका के हालत ख़राब हो रखी। हेलो गाइस, दिस इज मी सरांच। 1 2 3 जस्ट Hi guys, this is me. Welcome to बोलो पहले। Welcome to my vlog. Oh no no. रिशिता, अरे नहीं तू जो आज तेरे को मेरे को vlogging करनी है ना। लाटम पेपे में सब कुछ बोल देती हूँ। लाटी भोड़े इन सब का नाम ये है। अब इसके बाद चाहे ये नहीं डालेगी। अपना नाम ले ली। Hey guys, welcome to my. I can't, you know. Hey guys, welcome to my vlog, and I will not reveal my name, cause स्टॉकर्स बहुत होते हैं। मन्नू मिस कैमरा जी, नो वन, नोबडी इज आई एम स्कीइंग मैन, देयर इज वन टू बोलती है ये मेरी मां है, अल्लाह कम थी करे भने से मिले। उसका हम कैंटीन से आ चुके थे, और फिर बाद में मेरा ना गला बहुत ज्यादा दुख रहा है। अभी ना सर्दी है ना, जो वापस आ गया इसके मैंने बताया था एक व्लॉग में, तो उस ठंडी के चलते सॉक्स वॉक्स मैंने पहना नहीं था, तो शायद मेरे को ठंडा सा थोड़ा सा लग गया। तो गाइस, अभी मंशिका ने पकड़ा है मेरा फ़ोन और मैं आपको बोल बता रही हूँ। तो आज मंशिका बनाने वाली है रोटी जो भी है, बाकी क्योंकि मेरा गला तो बहुत ज़्यादा एकदम ना, मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मैं थोड़ा सा अभी कैंटीन गए थे, कैंटीन से फिर हम लोग वापस आए। बाकी कैंटीन जाते हुए का हालत, मतलब बड़ी का और मेरा दोनों का पेट खराब हो रखा था। पेट खराब सर्दी के चलते ना, पेट में चुभन सी हो रही थी। तो यहाँ पे रखा हमने कैंटीन का सामान अपना, बाकी लोगों ने तो आधा खा भी लिया इसमें से। ये नमकीन वमकीन वगैरह लेके आए थे, हैंड वॉश वगैरह हो गए ये सो वो, और दूसरे बैग में भी वही सब सामान पड़ा है। ये कि कैंटीन में सही मिल जाता है परफ्यूम लेकर आई, तो कितना 300 समथिंग का था और मैं 124 का मिला, मतलब काफ़ी हद तक ना जो है डिस्काउंट मिलता है हमें। तो अभी मम्मा गई नहीं थी तो मुझे ना बहुत संभल संभल के चीज़ें लेनी पड़ रही थी। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं ले भी नहीं पाई, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था इतने के अंदर आना चाहिए, पैसा उसके ऊपर आएगा तो तू देगी। मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी साथ में जाए ना शॉपिंग के टाइम पे भी, या ग्रोसरी शॉपिंग हो या कुछ भी शॉपिंग का होना, तो मम्मी साथ में जानी ही चाहिए, क्योंकि मम्मी साथ में होती है ना तो हम लोग को कुछ टेंशन नहीं रहता है कि यार मैं कोई तरह लिमिट में वो करना है। मम्मी साथ में हो तो मम्मी को मना बना के थोड़ा कि मम्मी से ले लो कुछ भी, नेक्स्ट टाइम से मम्मी को मैं साथ में लेके जाऊँगी। बाकी बेचारी ये तो आज तक नहीं गई ना। क्यों नहीं गई? पहले जहाँ जम्मू में थी ना, मैं थी थर्ड या सेकंड थर्ड, और ऋषा जी थी सिक्स क्लास में। हम दोनों कैंटीन जाते थे थैला लेके, हम दोनों जाते थे एकदम। मैं सिक्स में थी, ऐसे सेकंड थर्ड में थी, हम दोनों जाते थे कैंटीन में मस्त एकदम। हम बिलिंग में खुद कराते थे या सब कुछ, मतलब मम्मी ने बचपन से ना, अभी हमारा भाई तो कोई है नहीं, तो मैं लाइक इनका एक तरीके से मैं भाई वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करती हूँ। कुछ भी हो ना, मैं चले जाऊंगी ना, ये लोग मुझे बहुत मिस करने वाले हैं, मुझे पता है ना, बहुत ज्यादा। मैं आ जाऊंगी भाई। ओके गाइस, टॉपिक चेंज करते हैं, बहुत मजाक कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ना सबको जुकाम लगा हुआ है, आंटी को भी लगा है जुकाम, और मेरे को भी लगा, मंशिका को भी लगा है। तो एक
किसी मंशिया को लगा था उससे भी मेरे को हुआ, फिर मेरे से आंटी को हुआ, या पता नहीं आंटी से हम दोनों को हुआ, वो मुझे नहीं पता है। एंड अभी मैं मुँह हाथ धो के आ गई, अपना जो भी ऑइंटमेंट था वो लगा लिया है, और मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सोई है लड़की। बाकी मम्मी खाना बना रहे हैं, खाने में सिर्फ रोटी बना रहे हैं, बाकी मई जी ने पनीर और दाल मखनी जो थी ना वो दिया था। तो यहाँ पे है मम्मी, तड़का लगा रहे हैं उसमें फिर से, ये है और इसमें है दाल मखनी। तो मम्मी यहाँ पे तड़का बड़का लगा, मंशी कैमरे में आना चाह रही है बट ऐसे एक्ट करती है कि इसको नहीं आना है। तो गाइस यहाँ पे मंशी का बना रही है रोटी, इसने पूरा बेल बेल के रख लिया, अभी सेक सेक के दे दिया सबको, बाकी सब्जी वब्जी इधर पे है। मुझे मम्मी ज़्यादा पनीर मत देना, कम देना, ठीक है। बाकी सारा हेल्प कर रही है यहाँ पे, एंड हम लोग खा रहे थे फटाफट से खाना, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे ये दो देख रही है अपनी मम्मी को और बड़ी मम्मी को खाना खाते हुए। शान जी जैसे बात करो है नहीं गुंजू, आशे जी आशे जी कहा भाई बेटी मुझे मुझे बीटू इसके लिए फैन ऑन कर देते ताकि खुश रहे ये, बस शांति से बैठी रहे। बच्चे के साथ कितना स्ट्रगल होता है ना, और बच्चा माँ की गोद में ही मानता है भले वो किसी के गोद लगा ना। मम्मी बोल रही कि करती वॉमिटिंग लड़की करती है, डिप लगा रखी मम्मी ने उसको। अरे तो गाइस अभी ना आंटी को भी जुकाम लग रखा है, तो इसको बेबी को उठा रखा है, तो उसको भी ना हो जाए, तो इसलिए आंटी ने ना मतलब विक्स लगा के वो मास्क सा पहना। तेरे मुंह के मारने पक्का चला, पक्का चला, पक्का देगी। तो अब लग आराम से लगा और मेरी मम्मी को इतनी बातें आती ना, मम्मी बोलती दूध बच्चा निकाल कर बिब तूने लगा रखी अपने गले में। किस चीज को जीत चले से कियारा कियारा आडवाणी को देख के। चलिए गाइस अभी सोने का टाइम हो गया, बाकी मैं और मम्मी हम सो जाते हैं फटाफट से, और थोड़ा सा दवाई दवाई खा लेते हैं और सोते हैं, बाकी मिलते हैं फिर आपसे कल हम लोग। टिम्मी भी सोने लगी है अभी, तो खैर अभी नहीं सोएगी, वो सोएगी फिर उठेगी 3-4 बजे करीब, फिर सोएगी वो। बाकी मंशिका सरांशी कल स्कूल नहीं जा रही है, मंशिका तो जाती नहीं है, इसको दवाई दवाई पिला रहे आंटी, मैं पंखा चला के रखा हुआ ताकि ये थोड़ी सी शांत रहे, बट स्माइलिंग फेस तो है इसका थोड़ा सा बस रहती है बस। मम्मी पूरी पूरी कोशिश करती है इसको रुलाने की। टिम्मी हुआ क्या आंटी, हुआ क्या आंटी को? मुझे कुछ नहीं मालूम, से कुछ चीज़ ज़्यादा खा ली। और बताया किसने था? तूने बताया ना? आंटी को ना एक्चुअली गैस हो रही थी, तो आंटी ने ना अजवाइन मंगने को, आंटी चबा के खाना उसको ना, आंटी से मतलब ऐसे मतलब निगल रहे थे, खुद चबा के खा। आंटी बोलते एक तो तूने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, ऊपर से चबाने के लिए बोला, तो आंटी को जलन हो रही है पूरे मुंह से पेट तक। कोई नहीं आंटी ठीक हो जाओगे आप। तो गाइस ठीक है, फिर आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।